बसपा प्रमुख मायावती ने बीजेपी और आरएसएस पर एक बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब मायावती ने रविवार को पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग के बाद मायावती ने ट्विटर पर एक प्रेस नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर झूठा प्रचार करने को लेकर आरोप लगाया। मायावती ने आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी ने इस चुनाव में एक सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत अपने आरएसएस संगठन के जरिए ये काफी गलत प्रचार करवाया है कि यूपी में बीएसपी की सरकार नहीं बनने पर मायावती को देश का राष्ट्रपति बनवा देंगे। मायावती के इस बयान के मुताबिक उनके लिए देश का राष्ट्रपति बनना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि इस बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकती। हालांकि मायावती ने बताया कि बहुत पहले ही काशीराम जी ने उनका ये प्रस्ताव ठुकरा दिया था और वो तो उनके पद चिन्ह पर चलने वाली मजबूत शिष्या हैं। मायावती ने साफ कहा कि वो अपनी पार्टी और आंदोलन के हित में कभी भी बीजेपी या अन्य किसी पार्टी की ओर से दिए गए राष्ट्रपति पद के ऑफर को स्वीकार नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि पार्टी में लोग ऐसी अफवाहों से गुमराह ना हो। मायावती का ये बयान ऐसे समय पे आया है जब राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद इसी साल देश के राष्ट्रपति का चुनाव होना है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को भरोसा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में उनके चुने हुए व्यक्ति को ही बहुमत मिलेगा, लेकिन हाल ही में यूपी, उत्तराखंड और बाकी राज्यों में चुनाव के समीकरण थोड़ा बदल गए हैं, जिसके बाद अब बीजेपी को अपने पसंद का राष्ट्रपति चुनने के लिए बाहरी दलों का सहारा लेना पड़ सकता है। बसपा के प्रदेश कार्यालय में बैठक के दौरान पार्टी प्रमुख ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी ने गरीबों को रोजगार देने के बजाय मुफ्त राशन देकर उन्हें लाचार और गुलाम बना दिया। दलित समुदाय की अन्य जातियों को भी इन पार्टियों के हिंदुत्व से बाहर लाकर बसपा के साथ जोड़ना है। उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि कई पार्टियों के साथ गठबंधन के बावजूद वे सत्ता से दूर हैं। सपा यहां अभी तक सत्ता में नहीं आ सकती है और ना ही बीजेपी को सत्ता में आने से रोक सकती है।